सबर करो अपने पर, सबर काफिर की बात पे सबर करते हो, अपने वालों पर सबर नहीं करते। उसके कुफर पे सबर है तो मैं अपने मुसलमान का सबर नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो तो रुहमा उबई नहुं थे। तो अब आप क्या कर दो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बस दार इस्लाम से खारिज कर दो? तो ना, ऐसा ना कहो, इससे बचो। यानी कि इससे आप गुनाहगार हो जाओगे, गलत फहमी होते। ऐसी तारीख से नतीजे अखस करना शरण, तो आप किसी मुआर्रख की दलील को ले भी नहीं सकते कि इस पर आप फतवा लगा दो। क्योंकि मुस्लिम लीग से लेकर एंड तक और पाकिस्तान के बनने तक वो मुसलमानों के साथ ही रहा है। दो कौमी नजरिया सबसे पहले पेश करने वाले अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लेते हैं, और इसको ये पहले ये भी कांग्रेस में थे। देखो, एक पार्टी का आदमी जब टूटते ना तो उनको भी बड़ा गुस्सा आता है। अगर वो इस नजरिए को तस्लीम ना करता तो मुस्लिम लीग क्यों बनाता, कांग्रेस टू बनाता? क्योंकि मुझे ये आंख अल्लाह ने दी है, तुम लोगों को नहीं दिए कि मुझे पता है। इसलिए कहता हूं तसव्वुफ सीख लो, अभी सीखी नहीं है तुम लोगों ने, तुम्हें पता चल जाएगा। जिक्र के दरवाजे जब खुलेंगे ना तो जन्नत में कौन कौन जा रहा है ये भी अल्लाह ताला दिखा देगा तुमको। आप मुसलमान पे जन तो हदीस से साबित है मगर बदजनी साबित नहीं है। चलो, हर कोई कश्फ करता है या ये है। तो यहां पर सवाल यह कि मेरी दलील ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पाला, क्या पाला, किसके घर में? मगर जब कलमे की दावत दी क्या फिरौन उसका हामी हुआ? तो कायदे आजम को भी पाल लिया ना, मान लो। जब उसने कलमे की दावत बुलंद की कि कुफार उसके साथ थे, पाकिस्तान इसकी वजह से अल्लाह बनाता है, अकीदा दुरुस्त करो और काफिर काफिर की मदद करके जाएगा, उसने इतनी दे दी। लेकिन आज ये मोर्चा जो तुम्हारा बना, ये मुल्क बनाए, बताओ इतना सा है? इतना सा, इतना सा है। अगर दुनिया के नक्शे पे देखो तो एक नुक्ता नजर आता है। हाय हाय हाय, फौज है, एजेंसी है, मौलवी है, सबसे दुनिया डरती है। काफिर वहां हिलता है, यहां हिलते, यहां जब मशवरे होते, सारी दुनिया इधर नहीं देख रही, अपने चर्चों को छोड़ दिया उन्होंने, देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो मैं जब खाना काबा गया तो अल्लाह ने मुझे दिखा दिया हुजूर के रोजे पर कि पाकिस्तान क्या है, तो मुझे अलामा इकबाल का वो शेर दिखाया, दुनिया के बुत कदों में पहला घर खुदा का, हम पासबां हैं उसके, वो पासबां हमारा। हम पासबां हैं उसके, वो पासबां। इतना सा मुल्क है, पाकिस्तान के नक्शे को गौर से देखो, ये मोहम्मद बनता है। अगर ये बड़ा होता तो ये मोहम्मद ना बनता। इसका कोड है 92, ये भी मोहम्मद बनता है। तुम्हारी खोपड़ियों में ये बातें आने वाली नहीं है। इसका झंडा देखो, ये भी नक्शबंदिया बनता है। और शाजलिया बनता है। तुम लोग की खोपड़ी में चीजें नहीं आएंगी। ये चांद और तारा है, ये हमारा है। क्या है? ये चांद कौन है और ये तारे कौन है? अपने ही घर पे बैठ के अपनी मां को गालियां दे, एक ही मां से पैदा होने औलाद कहती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जिस मट्टी से बने हो ना वही पैदा हुए हो तुम, इसी में दफन होगे, ये उसूल है। तुम इसी मां के बच्चे हो और इस मां के दुश्मन तो गैर हो सकते हैं मगर अपने नहीं हो सकते। तुम आपस में लड़के अपने आप को खराब करोगे।